हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपास आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। आज मैं सिखाने जा रही हूँ ऑयल पेस्टल का शेडिंग एंड ब्लेंडिंग टेक्निक। मैं कौन सा कलर मैंने लिया है वो सब मैंने ऊपर आप देख सकते हो, मैंने लिख दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिख दिया है क्या क्या कलर हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर ऑरेंज शेडिंग आप ऑरेंज कलर लो बेस कलर के लिए, देन के ऊपर स्कारलेट से शेड करना है एंड एकदम फाइनल में रेड और ब्राउन से। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, जब हम एकदम लास्ट में जब हम कलर दे रहे हैं रेड और ब्राउन, उसके बाद फिर से हमें बेस कलर से उस जो कलर हमने दिया था वो ब्लेंड करना है। और इसी टेक्निक से मैं पूरा वीडियो मैंने दिखाया है कैसे हम ऑयल पेस्टल का शेडिंग हम कर सकते हैं और हम कहाँ अप्लाई करते हैं उस शेडिंग टेक्निक को, वो भी मैंने दिखा दिया। तो एंड तक ये वीडियो देखें, मुझे यकीन है आप जरूर कुछ सीख सकेंगे। अब जैसे मैंने दिखाया है सेम वैसे ही मैं एक हार्ट बनाया है, उसके ऊपर जो हार्ट का जो रूफ है वो मैं उसी टेक्निक से, उसी जो कलर है वो सेम कलर से हम दिखाएंगे सेम कैसे शेड और ब्लेंड करना है। तो सेम मैंने पहले वो लाइट ऑरेंज ले लिया है, उसके ऊपर हम स्कारलेट से शेड देंगे। एक डायरेक्शन हमें चूज करना है जहाँ से हमें लाइट आ रहा है उस तरफ हम शेड नहीं करेंगे, उसके अपोजिट की तरफ अपोजिट साइड में हम शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने राइट साइड से शेडिंग किया है, इसका मतलब कि लाइट वो लेफ्ट साइड से आ रहा है और पूरा जो कलर जब होगा तो भूलना मत कि वो ब्लेंड करना है। जैसे मैंने यहाँ फिर से ये लाइट ऑरेंज से ये स्कारलेट का कलर हमने ब्लेंड किया और एकदम एंड में जो डार्क कलर है जैसे ब्राउन और रेड वो हमें हमको देना है। तो ऐसे ही हमें शेड करते जाना है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या आपको कुछ फ़ायदा हो सीख पा रहे हो तो ज़रूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए ताकि जो नए नए अपडेट्स होंगे वो आप देख सकेंगे। अभी मैं लाइट ग्रीन से कलर बेस कलर दिया है, उसके ऊपर मैं दे रही हूँ लीफ ग्रीन कलर शेडिंग के लिए और एकदम एंड में मैं दूंगी डार्क ग्रीन कलर डार्क शेड के लिए। तो सेम फिर से मैं जो बेस कलर है उसी से मैं लीफ ग्रीन को ब्लेंड कर लिया, उसके बाद एकदम एंड में हम डार्क ग्रीन देंगे। तो इसी जो मैंने ये जो कलर का जो टोन है ग्रीन का टोन, ये हम यूज़ कर सकते हैं लैंड में, कोई ड्रेस में, किसी का अगर ड्रेस हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे हम इसी तरीके से ऐसे शेड कर सकते हैं। और सेम जैसे हमने ऑरेंज को दिखाया है वैसे ही हमें एक साइड में इमेजिन करना है कि कहाँ से लाइट आ रहा है, उस तरफ का बेस कलर छोड़ के ऑपोजिट तरफ में हमें ये शेडिंग करना है। होप आपको सबको समझ में आ रहा है मैं कैसे दिखा रही हूँ, तो अच्छे से फॉलो करो क्योंकि ये ऑयल पेस्टल का शेडिंग एंड ब्लेंडिंग जो है टेक्निक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कलर का शेडिंग हम जितना अच्छे से करेंगे उतना हमारा ड्राइंग ब्यूटीफुल लगेगा। और एक चीज़, जब हम शेड कर रहे हैं हमें कलर लाइट करके देना है, डार्क करके नहीं, क्योंकि हमें उसके ऊपर दूसरा और एक कलर देना है। तो अगर हम डार्क करके कलर देंगे तो उसके ऊपर सेकेंड जो कलर हम देंगे वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, इसलिए हमें लाइट करके पहला बेस कलर देना है,
उसके ऊपर एकदम एंड में हम डार्क कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। तो सेम हमने लेमन योलो का शेड लिया है, लेमन योलो का टोन हम दिखा रहे हैं। तो पहले लेमन योलो दिया है, तो उसके बाद हम मीडियम योलो से शेड कर रहे हैं और एकदम एंड में डीप योलो और योलो आकर से शेड कर रहे हैं। और फिर हम लाइट योलो से या लेमन योलो से उसको फिर से ब्लेंड करेंगे। और सेम ये कलर टोन हम यूज़ कर रहे हैं ये जो हार्ट मैंने बनाया है उसके वॉल पे, और वैसे ही हम शेड भी करेंगे जैसे हमने बॉक्स में दिखाया है। अब मैं ले रही हूँ ब्लू कलर का टोन, तो मैं पहले दे रही हूँ लाइट ब्लू फॉर बेस कलर, देन आई विल यूज़ सेरिलियन ब्लू ओके फॉर द डार्क कलर, एंड एट द एंड आई विल यूज़ एंथ्रीप ब्लू और पुशियन ब्लू। सो वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे ये फिर से मैंने स्काई ब्लू लेके पूरा कलर जो है वो ब्लेंड किया, और एकदम एंड में स्काई ब्लू के ऊपर या लाइट ब्लू के ऊपर हम थोड़ा सा वाइट ऐड करेंगे, वाइट कलर ऐड करेंगे। तो सेम कलर टोन मैं स्काई में यूज़ कर रही हूँ, पहले स्काई ब्लू और लाइट ब्लू, देन सेरिलियन ब्लू, देन प्रूशियन ब्लू और डार्क ब्लू, और एकदम एंड में वाइट कलर से हम ये क्लाउड्स जो बनाया है उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इसी तरीके से हम कोई भी ड्राइंग का हम शेड बना सकते हैं इसी टेक्निक से, कुछ भी कलर हो हम सेम टेक्निक से हम बना सकते हैं। बस हमें जो कलर का जो ग्रेडेशन है जो टोन्स है वो लाइट से डार्क की तरफ जाना है, लेकिन सेम टोन है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, तो क्योंकि मेरा जो ये चैनल है ये ट्यूटोरियल चैनल है और मैं ये नए नए बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करती हूँ इस चैनल के माध्यम से।